बहस जारी। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु कुलवाल जी। अगर पार्टी कार्यालय के अंदर सब कुछ होता तो एक बार के लिए मान लेते कि ठीक है, पार्टी का ये मैटर पार्टी वाले सुलझाए, लेकिन पार्टी के बाहर सड़क पर ही ऐसी तस्वीर निकल के सामने आ जाए तो फिर क्या कहा जाए? देखिए राहुल जी, अभी जो मैं आपके चैनल पर देख रहा था तो जो गिरिराज गर्ग साहब जो महासचिव हैं उनके बयान कुछ और थे, और जो जयपुर के शहर अध्यक्ष हैं पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उनके बयान एकदम उसके विपरीत थे। और अभी जो भाई सुरेश चौधरी जी बोल रहे थे वो उन सबसे अलग होकर बोल रहे हैं। सवाल है कि इस प्रकार का किसी भी पार्टी में होना ये पार्टी हित में नहीं होता है, इससे पार्टी का नुकसान होता है। सवाल है कि कांग्रेस की संस्कृति तो रही हमेशा यही, तो उसमें कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके सिस्टम में चलता रहता है, वो खास बात नहीं है। सवाल है कि अभी सुरेश जी बोले थे कि सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो जिन कार्यकर्ता जो बाबूलाल नागर भी कांग्रेस के शायद मेरे ख्याल से अभी मेंबर नहीं है, तो वो आदमी कार्यालय में आके धक्का मुक्की कर रहा था, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी इनको, मगर ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे, क्योंकि इनके जो बड़े नेता हैं जैसे बाबूलाल जी नागर के जो जो नेतृत्व करते हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, और अभी जो भवरलाल जी मेघवाल साहब हैं ये सचिन पायलट की टीम के अंदर है। तो देखिए कांग्रेस के अंदर आंतरिक मतभेद तो है, और अभी भी अभी जो इनके पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी आए थे उन्होंने भी काफी कोशिश की, मगर राजस्थान में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ नेतृत्व बहुत ज्यादा लोगों का है यहाँ पर, और इस कारण से कांग्रेस की स्थिति है। फिर भी अगर पार्टी का आंतरिक मामला है तो इनको पार्टी में बैठ के काम सटाना चाहिए, अगर कार्यकर्ता नहीं था इनका तो उसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए, जिससे आइंदा कोई और आदमी नहीं घुस जाए कार्यालय में, तो कार्यालय को मेंटेन करने के लिए कम से कम इनको एक FIR लॉन्च करानी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पार्टी कार्यालय में आके जिन मास्टर बुजुर्ग नेता मास्टर बाबूलाल मेघवाल साहब के साथ जो किया जी वो एकदम गलत था। तो ये तो इनकी पार्टी को सोचना है, हम तो कह ही सकते हैं, बाकी तो करना तो ही नहीं लोगों पे। विवेक जोशी साहब, क्या कुछ रिएक्शन होगा आपका? देखिए सर, ये सुरेश चौधरी जी ने सबसे पहले जैसा बताया कि इनको पता ही नहीं था कि वो कौन लोग थे जो आए और जिन्होंने हंगामा किया। मैं मेरे साथ एक अखबार की कटिंग लाया हूं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुटबाजी है और बाबूलाल नागर जी तो हम भी बता रहे हैं, तो इंडिया न्यूज भी बता रहा है विवेक जोशी जी, ये अंदरूनी गुटबाजी है, अंदरूनी कला है, उसी की तस्वीर है ये। तो चौधरी जी जो बता रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कौन हुड़दंगी थे, कौन आए, कहां से आए, किसने किया, ये इनके पार्टी में आंतरिक गुटबाजी जो चल रही है, गहलोत जी का खेमा है, एक CP जोशी जी का खेमा है, अभी सचिन पायलट जी का खेमा है, तो ये सारी लड़ाई जो है इनकी कुर्सी की लड़ाई है। एक को दे दिया कुर्सी, एक को पदाधिकारी बना दिया, दूसरे को हटा दिया तो वो दूसरा लड़ने लगा। मतलब देखिए आप कैसी हालत कर दी है कि एक सीनियर नेता को दुकान में घुसने तक, दुकान में छुपने को मजबूर कर दिया इन लोगों जी। ये इनकी 60 साल की 70 साल की इसी तरह से राजनीति चलती आ रही है, इसी तरह की कलह चलती आ रही है। हालांकि ये इनका पार्टी का अपना मैटर हो सकता है, फिर भी ये निंदनीय है इनका मैटर जो है जी। चौधरी साहब, बहुत शर्मनाक तस्वीर है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए क्या कहें, विपक्ष के लिए और राजस्थान के लिए भी है। घटना कोई प्रशंसा करने के लिए है, कोई इसके लिए मैं थैंक्स कहूं, ऐसी घटना नहीं है। निसंदेह हमारी पार्टी के लिए कोई ये अच्छी बात नहीं है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो घटना हुई है हमारी पार्टी के लिए अच्छी हुई है, लेकिन कोई एक व्यक्ति से, जैसे मनीष जी बोल रहे थे, अच्छे वर्कर हर पार्टी में होते हैं, जुझारू वर्कर हर पार्टी में होते हैं, पार्टी के लिए समर्पित सुरेश चौधरी जी, इनके ये है जी, कौन जी, लोग जिन्होंने मास्टर भवरलाल के साथ बस सलूकी की? आपने एक नाम लिया लेकिन तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आपने रघुराज का नाम लिया, आपको कह रहा हूं नहीं, आखिर ये हुआ पार्टी के अंदर
नहीं, ये इसलिए हुआ, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है और 1 सितंबर से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से नए ब्लॉक अध्यक्षों का गठन होना है। और ये जो ब्लॉक अध्यक्ष जी रघुराज सिंह जी हैं, ये बाबूलाल नागर जी जिस टाइम पे विधायक हुआ करते थे जी। उस टाइम का उन्होंने उस टाइम का ये 2011 में बना हुआ है ब्लॉक अध्यक्ष। तो ये जो ब्लॉक अध्यक्ष जी बने हुए हैं, इनको पता है कि इलेक्शन प्रोसीजर 1 सितंबर से चालू हो जाएगा, पुराने ब्लॉक अध्यक्ष खत्म हो जाएंगे, अब ये तो शंका से ग्रसित होगा। नहीं, सवाल इस बात का, सवाल इस बात का है चौधरी साहब, कांग्रेस के प्रति जवाब दे हैं या बाबूलाल नागर के प्रति जवाब दे हैं ऐसे कार्यकर्ता, आखिर है क्या? रघुराज सिंह जी को, रघुराज सिंह जी को आज के दिन कांग्रेस पार्टी के लिए जवाबदेही होना चाहिए था। बाबूलाल नागर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में आज के दिन सक्रिय सदस्य नहीं है, नहीं है हमारी पार्टी के, नहीं है, इसीलिए सवाल उठ रहा है ना, इसीलिए सवाल उठ रहा है ना। ना ना, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, और मैं कह रहा हूँ इसीलिए सवाल उठ रहा है कि पार्टी के लिए जवाब दे हैं, बाबूलाल नागर के लिए जवाब दे हैं। आपकी बात पे, हाँ नहीं नहीं, ऊपर से आपके आपके टॉप कार्यकर्ता या टॉप नेता, उनसे बस सलूकी की जाती है जब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से राहुल सहमत हूँ कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो। आते हैं सुरेश चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी आते हैं आपके पास, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बातें, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।